आपको मालूम पड़े। इन दौरान आपको जो कुछ भी मन में आ रहा है, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं या कुछ भी पूछना है या कुछ भी है, तो उसको एक नोट डाउन करके रखिए या चैट बॉक्स में लिख के रखिए, बराबर। तो हम साथ में जैसे ही कंप्लीट खत्म हो जाता है प्रेजेंटेशन, उसके बाद हम वो सारा क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर देंगे और एक लेवल पे आगे हमारा डिस्कशन लेके जाएंगे, बराबर। अगेन वेलकम ऑल। मैं स्पीड फोर्स का जो भी हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन है वहां से चालू करता हूँ। हाँ अभी दिख रहा है ना वर्षा अशोक जी? यस यस सर। ओके ओके ओके। आज हम क्या करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं तो जो भी स्पीड फोर्स के बारे में हम डिस्कशन जो करेंगे उसके कंटेंट्स बात हूँ, तो हम टू व्हीलर इंडस्ट्रीज क्या है, टू व्हीलर इंडस्ट्रीज में आपका इंट्रोडक्शन दूंगा स्पीड फोर्स का, व्हाई व्हाट इज स्पीड फोर्स, हाउ इट वर्क्स, मार्केट पोटेंशियल, वे फॉरवर्ड और अदर सर्विसेज हम क्या दे रहे हैं, बोलो। तो वो सारा कुछ हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्रीज क्या है, बराबर। आपने टू व्हीलर, आप हर एक घर में टू व्हीलर से, इंडिया तो टू व्हीलर के बिना जी ही नहीं सकता। और आफ्टर कोविड, जो कोरोना के बाद जो सिचुएशन आ रही है, मैं आपको सलाह, एक पेपर कटिंग भी शेयर करूंगा जो आज मेरे पास आया है। हालांकि लॉकडाउन खुला है, लॉकडाउन थोड़ा रिलीज हुआ लास्ट मंथ में, यानी मई महीने में। तो मई महीने और जून महीने का, दोनों महीने का टू व्हीलर्स का सेल्स डेटा 10 टाइम्स बढ़ गया है, 9 to 10 टाइम्स बढ़ गया है। तो क्यों बढ़ गया है, तो वो एक, क्योंकि एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया है, दूसरा धीरे धीरे वो कोविड के हिसाब से वो सारा कुछ चेंजेस हो रहा है इकोनॉमी में, ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम ये सारा कुछ हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको कि क्या करना है, क्या कैसे करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। अभी देखो तो सब्सटेंशियल ग्रोथ है, जो मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं क्या है। ऑलमोस्ट 12% ग्रोथ अचीव ईयर ऑन ईयर और लास्ट 6 मंथ। अभी 6 साल का अगर डेटा आप देखेंगे ना, तो हर साल 12% से ये इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही है, बरोबर। सेल्स और सर्विस में बहुत बड़ा गैप है। आप देख रहे हैं आपके पास जो भी कंपनी का टू व्हीलर है, चाहे हीरो का है, होंडा का है, बजाज का है, जो भी कंपनी का है, बरोबर, वो सारे में देख रहे हैं। तो वहाँ पे सेल्स और सर्विस में बहुत गैप है, सर्विस में बहुत गैप है, यानी मैन्युफैक्चरर जो सर्विस आपको मिलता है, जैसे कंपनी का जो गाड़ी आता है तब आपको एक सर्विस बुक मिलता है, वो आप जब रिडिप्शन कराते हैं तो वो जब तक बुक चलता है तब तक आप शोरूम पे जा रहे हैं, उसके बाद तो आपका, आपको नज़दीक का जो गैरेज है, लोकल गैरेज है या कहीं पे भी आप रिपेयर करवाते हैं, बरबर। तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरर का क्यों, वो क्यों नहीं जा रहे, एक तो आउटस्कर्ट एरिया में ये सर्विस स्टेशन होते हैं, दूसरा वहाँ पे जाने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है, टाइम टू टाइम जाना पड़ता है, टाइम टू टाइम लेने के लिए जाना पड़ता है। दूसरा मैन्युफैक्चरर जो है उनका फोकस है लार्ज ऑन वारंटी सर्विसेज में ही है, बरबर। जब तक वारंटी चलता है तब तक वो सब गुडी गुडी होता है सभी, बरबर। अदर देन मैन्युफैक्चरर स्मॉल गैरेज अवेलेबल, जैसे मैंने बताया, बरबर। तो लेक ऑफ, वहाँ पे अगेन वहाँ पे सर्विस तो है, सर्विस करता है, सब कुछ करता है बंदा, लेकिन वहाँ पे भी लेक ऑफ प्रोफेशनल अप्रोच है इन लोकल गैरेज। आप पुअर हाउस कीपिंग, आप देखो तो वहाँ पे गंदगी होती है वगैरह, हाइजीन नहीं हो, मेंटेन होता है, पानी का भी कोई पूछता नहीं है, बैठने के लिए पूरी जगह भी नहीं होती है, फिर भी ये हमको करवाना पड़ता है। क्यों पता है, आज तक हमारे पास ऑप्शन नहीं था, बरबर। तो मार्केट पोटेंशियल जो बताया, तो मार्केट पोटेंशियल इतना बड़ा है कि अगर आप लास्ट 6 साल का भी डेटा अगर हम काउंट करेंगे तो 36 सर्विस अवेलेबल है हर एक साल में, एवरेज अगर 4 सर्विस काउंट करें तो। इसमें क्या होता है कि जब मैन्युफैक्चरर है और अपना मार्केटिंग का बंदा है, तो उसका गाड़ी 5-6 बार टू व्हीलर सर्विस होता है, हालांकि कोई वर्किंग वूमन है उनका 3 बार होता है, और हाउस वाइफ है उसका 2 बार होता है। अगर हम वो टोटल डेटा काउंट करेंगे तो एवरेज 4 सर्विस तो होता ही है, बरबर। इकोनॉमिक का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बरबर, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, तो वहाँ पे कस्टमर का एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है, बरबर। लेटेस्ट जो आर्ट लेटेस्ट वर्कशॉप है उसकी रिक्वायरमेंट हो रही है, नीट एंड क्लीन सर्विस चाहिए, बरबर, नाइस लुकिंग पॉल्यूशन फ्री वर्कशॉप भी चाहिए, बरबर, इफिशियंट और कटेज स्टाफ भी चाहिए, बरबर। तो ये सारा कुछ डेटा हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं। टॉप एंड बाइक अवेलेबल है, लेकिन टॉप एंड बाइक की सर्विस हर एक एरिया में अवेलेबल नहीं है, बरबर, वो भी हम करते हैं। कस्टमर का एक्सपेक्टेशन की बात करूँ तो कस्टमर अभी देखो मोर ओपन टू टेक्नोलॉजी, बरबर। ये टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो अभी हम टेक्नोलॉजी के साथ ही सब लोग बात कर रहे हैं, बरबर। हम अभी भी मिले, हमारा जो मीटिंग चल रहा है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर है, बरबर। तो आज का जो कस्टमर है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर एकदम तुरंत ही वो ओपन हो जाता है, तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेता है, बरबर।
अब देखो तो ये लुक फॉर क्विक रिस्पॉन्स, जहाँ पे हमको अच्छी सर्विस मिलती है और अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है वहाँ तुरंत ही हम चले जाते हैं, रेडी टू पे एक्स्ट्रा केयर। बरबर, हम एक्स्ट्रा केयर करने के लिए रेडी है, एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी रेडी है, अगर सर्विस मिलता है या कुछ भी टेक केयर होता है। अब देखो तो ये सैनिटाइजर का जो हम अभी देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वो तो सालों से आ रहा है, बराबर। हमने हमने कभी नहीं सुना कि इसका इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज हम हर एक, आप हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, बराबर, वो सब लोग देखो तो हमारे जेब में वो 100-200 रुपये का सैनिटाइजर है, बराबर। तो क्यों पता है ये मैं क्या बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम एज ए ह्यूमन बींग हम एक्स्ट्रा केयर करने के लिए रेडी है। तो हम हमारी कोई भी चीज होती है उसका भी एक्स्ट्रा करने के लिए रेडी है, जैसे बाइक है उसका सर्विस करवाने के लिए, कार है तो कार का सर्विस करवाने, बरबर। ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल, आज के जमाना है ना, या आज का टाइम है ना, वो ट्रांसपेरेंसी के ऊपर चला जाए। अपने आप देखो कुछ भी छोटा मोटा होता है तो तुरंत ही लोग वो गूगल पे या कहीं पे भी पोस्ट कर देते हैं, फेसबुक पे, इसका सर्विस अच्छा नहीं है, इसका ये वगैरह वगैरह, बरबर। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जहाँ पे नहीं होती ना, वहाँ पे वो ये अप्रोच नहीं होता है। तो हम ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ पे, कस्टमर का एक्सपेक्टेशन ट्रांसपेरेंसी, हम वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी डिलीवरी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो मैं आगे बताऊंगा, बरबर। तो हम क्या है, सॉरी, देर इज नीड स्पीड फोर्स क्या कर रहा है, बरबर, सर्विस विद डिफरेंस, यानी हर एक मार्केट में सर्विस अवेलेबल है ही, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ चेक पॉइंट्स ऐसे बना के रखे हैं जो हमको मार्केट से अलग बना रह देता है, बरबर। नीट एंड क्लीन सर्विस करते हैं, हमारा जो कोई भी सर्विस होता है वो नीट एंड क्लीन होता है, हाईटेक टूल्स यूज करते हैं। जैसे आप देखो तो प्लग साफ करना है तो प्लग क्लीनिंग के लिए प्लग साफ करने की मशीन होती है, फिर अपना हाईटेक टूल्स है तो हाईटेक टूल्स यूज करते हैं, डोर स्टेप सर्विस देते हैं, बरबर, ट्रांसपेरेंसी इन सर्विस देते हैं, बरबर। सर डोर स्टेप की बात करो तो हम पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी देते, ब्रेक डाउन फैसिलिटी देते थे, ट्रांसपेरेंसी इन सर्विस, तो हम कस्टमर के जब गाड़ी सर्विस हो रही है तो व्हाट्सएप के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू, जो भी हमारे पास अवेलेबल प्लेटफॉर्म है, SMS वगैरह के थ्रू हम उसको लाइव रखते हैं। दूसरा यही फीचर अभी हम धीरे धीरे हमारे ऐप में भी लाएंगे, आप हमारा ऐप भी है तो वहाँ पे भी हम लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह चालू करने वाले हैं। रीजनेबल चार्ज, आपको लगेगा इतना अच्छा सर्विस है लेकिन चार्ज कितना, लेकिन हम आपको बताएं, हम जो भी एरिया में आउटलेट बनाते हैं वो एरिया का जो प्राइस लिस्ट होता है उसको मेंटेन करके उससे नियर बाय का हम चार्ज करते हैं, यानी हम एक्सपेंसिव कोई काम नहीं करते, बरबर। मैं टीम की बात करूँ तो स्पीड होस्ट कंपनी की टीम है, तो उसका स्किल सेट और वर्किंग एक्सपीरियंस की बात, कंपनी भले ने 7-8 साल पुरानी है लेकिन उसकी टीम है, उसके पास 38 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, बरबर। तो वहाँ पे आप डैम श्योर कि आप वहाँ पे इन्वेस्ट आराम से कर सकते हैं, बरबर। फोर्टी स्पीड को स्पीड फोर्स में क्या क्या होगा, बरबर। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, हमारा जो भी टू व्हीलर सर्विस स्टेशन जो होता है वहाँ पे मार्केट का जो डिमांड है ना, वो सारी सर्विस हम करते हैं, जैसे पीरियोडिक सर्विस, माइनर मेजर रिपेयर्स, एक्सीडेंट रिपेयर्स, बैटरी सर्विसिंग, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी देते हैं, ब्रेकडाउन फैसिलिटी देते हैं। आपको बताऊँ, इंडिया में है ना 30 मिनट में पिज्ज़ा आ जाता है, आप बटन दबाएंगे पिज्ज़ा वाला आ जाएगा, अगर 30 मिनट से ज़्यादा लगा तो डोमिनोज फ्री में देता है, लेकिन अगर आपका टू व्हीलर बिगड़ता है ना तो 3 घंटे तक कोई नहीं आता है। आपने शायद एक्सपीरियंस किया भी होगा या किसी को एक्सपीरियंस किस कोई कर रहा है वो देखा भी होगा, समझ। ये एकदम ये मार्केट का यहाँ पे जो बोले ना वो एक सत्य है, बरबर। तो यहाँ पे हम ब्रेकडाउन सर्विस दे रहे हैं, हमारे जितने भी कस्टमर है जहाँ पे भी आउटलेट बना रहे हैं उसके आसपास में 5 से 6 किलोमीटर में हम फ्री में ब्रेकडाउन सर्विस दे रहे हैं, बरबर। फिर वैल्यू एडेड सर्विस, तो देखो आपको कार अगर है, कार वगैरह सर्विस के लिए वैल्यू एडेड सर्विस मिलती है, कोटिंग करवाना है, डिटेलिंग करवाना है, स्पा करवाना है वगैरह, लेकिन टू व्हीलर्स में बहुत लिमिटेड है, तो वहाँ यहाँ पे हम सारी वैल्यू एडेड सर्विस भी टू व्हीलर में दे रहे हैं। इंश्योरेंस सर्विस, अब देखो तो टू व्हीलर का जब हम बाइक परचेस करते हैं, स्कूटर या बाइक, बरबर, तो हम इंश्योरेंस कंपलसरी है, लेकिन उसके बाद हम रिन्यू कभी नहीं करता है। इंडिया में 60% लोग के पास टू व्हीलर का इंश्योरेंस नहीं होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे जितने भी कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं सर्विस के लिए या कुछ भी है, बरबर, तो उनका सबको हम इंश्योरेंस के लिए गाइड करते हैं, हाउ टू टेक इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी प्रोवाइड भी करते हैं, इंश्योरेंस सेल्स भी करते हैं, इंश्योरेंस का क्लेम वगैरह सेटलमेंट भी करते हैं, बरबर। यूज टू व्हीलर वारंटीज, अब देखो आपने जब नया टू व्हीलर लिया है ना तो वारंटी, सारी वारंटी मिलती है, बरबर, आपका पूरा वारंटी बुक आता है, सब कुछ होता है, डीलर्स वगैरह में जब आप क्लेम करते हैं तुरंत ही वो सेंक्शन भी हो जाते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन अगर आपने वो वारंटी प्रोग्राम वारंटी निकल गया तो उसके अलावा आपको वारंटी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। स्पीड फोर्स एक ही कंपनी है जिसके पास पूरा वारंटी प्रोग्राम है, बरबर। आपका पुराना 7 साल पुराना तक का टू व्हीलर को हम वारंटी करते हैं, बरबर, वारंटी देंगे, और वारंटी के दौरान कोई भी स्पेयर पार्ट का चेंज करने की जरूरत है, कुछ भी जरूरत है, तो हम वहाँ पे स्पेयर पार्ट का पैसे के अलावा कुछ नहीं लेंगे, वहाँ पे सिर्फ लेबर चार्ज करेंगे, बरबर।
वाई स्पीड फोर्स? स्पीड फोर्स ही क्यों? बराबर, तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लार्ज पोटेंशियल है, करंट चैनल का, जैसे हमारा पहला बात हुआ कि डीलर वर्कशॉप और लोकल मैकेनिक्स ओन लिमिटेशन है, बराबर, लिमिटेशन है वहाँ पे, क्योंकि उनको अलग अलग प्रेशर है। जैसे डीलरशिप है तो डीलर्स में सर्विस देने वाला अलग है, जॉब कार्ड बनाने वाला अलग है, स्पेयर पार्ट बिल बनाने वाला अलग है, समझ रहे? लोकल मैकेनिक्स है तो वहाँ पे वन मैन शो है, बराबर, पीयून भी वही है और सीईओ भी वही है कंपनी का, बराबर। तो ये जो लिमिटेशन है कहीं ना कहीं, वो लिमिटेशन को हमने ब्रेक करके एक ये चालू किया है सर्विस वगैरह। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी डिमांड ट्रेंड में, पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है, जैसे आप देखो तो पुराने टाइम में टू स्ट्रोक आते, भाई फोर स्ट्रोक आया, फोर स्ट्रोक के बाद अभी BS4 था, BS4 के बाद अभी BS6 आया, BS6 के बाद आगे आने वाले दिनों ABS वगैरह भी कंपलसरी हो रहा है। तो वो सारी जो टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है, तो वहाँ पे हम हमारा जो मेन पावर होता है उसको ट्रेन करते हैं, बरबर, उसको ट्रेन करते हैं, अपग्रेड करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे तो उसको कैसे रिपेयर करना, तो मैं आपको बताऊँ, आज से हमारे पास उसके मॉड्यूल वगैरह रेडी है, समझे? तो वो जो इम्प्रूवमेंट चाहिए वो सारा कुछ हम यहाँ पे हमारे फ्रेंचाइजी को डिलीवर करते हैं। मार्केट डिमांड का जो नया ट्रेंड है उसको हम तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, बरबर। अभी वो कैसे करते हैं मैं बताऊँ आपको, कोविड के दौरान सारा कुछ बंद था, सब लोग सो रहे थे और घर पे हम लॉकडाउन था, तो हमने क्या किया, वही दौरान हमने बोला कि मार्केट में हम सैनिटाइजिंग फैसिलिटी डाल रहे हैं। हम इंडिया की पहली कंपनी है जिसके हर एक आउटलेट में सैनिटाइजिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, बराबर। तो आप देखो तो कोरोना के जो नया ट्रेंड आ रहा है अब सैनिटाइजिंग का, तो हमने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और आगे बढ़ गए, और वहाँ पे फ्रेंचाइजी का रेवेन्यू भी जनरेट होने लगा, बराबर। कस्टमर रेडी है एक्स्ट्रा पे करने के लिए। तो यही दौरान हमारे अगर स्पीड पोर्ट का जहाँ पे भी आउटलेट बने वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है। जो नया बंदा, आपको मैं बताऊँ, हमारे 98% फ्रेंचाइजी आउट ऑफ ऑटोमोबाइल के, तो वहाँ पे एंटरप्रेन्योर जनरेशन भी हम कर रहे हैं स्पीड फोर्स के माध्यम से, बरबर। हाउ स्पीड फोर्स वर्क, बरबर, पोटेंशियल मैपिंग हम A to Z, यानी अगर आपको ऑटोमोबाइल का A भी नहीं आता है ना, तो ये बिजनेस आराम से कर सकता है। सिर्फ आपको बिजनेस करने का नॉलेज और बिजनेस करने के लिए पैशन होना चाहिए, बरबर। आप अगर पैशनेट है तो सारा कुछ हम वहाँ पे आपको डिलीवर कर सकते हैं। जगह का मैपिंग, लोकेशन का आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, प्रोस्पेक्ट इन्फॉर्मेशन, ल्यूक डिलीजेंस, साइट विजिट, लेआउट प्रिपरेशन, रेडीनेस, इंस्टॉलेशन, फाइनल इंस्पेक्शन, सारा कुछ हम, तो मेन पावर का अपॉइंटमेंट है, ट्रेनिंग है, मार्केटिंग एक्टिविटीज है, फॉलो अप है, इनग्रेशन और स्टार्टअप करते हैं। उसके बाद हमारा टीम वहाँ पे आता है, आपके पास ऑन जॉब ट्रेनिंग देता है, टाइमली विजिट होता है, हमारा ऑडिट होता है, टेक्निकल सपोर्ट होता है हमारा, सारा कुछ टेक्निकली, जैसे कोई बाइक ऐसा आ गया कि जो रिपेयर कैसे करना है, क्या करना है। अगर मैं आपको बताऊँ, हमारे हमने ये भी जैसे लॉकडाउन 3 और 4 हुआ, बरबर, वही दौरान हमारा आसाम का आउटलेट है वो वहाँ पे रिलीज हो गया था, वो खुल गया था ग्रीन जोन में, तो वहाँ पे जो उनको चाहिए था, उन्होंने KTM ड्यूक का इंजिन वगैरह का काम किया था, बरबर। तो 16,000 के स्पेयर पार्ट हमने मुंबई से प्रोक्योर करके वहाँ पे डिलीवरी करवाया, तो वो टेक्निकल सपोर्ट बोलते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, और कस्टमर फीडबैक, क्रॉस लर्निंग प्रोग्राम, वो सारा का सपोर्ट हमारा रहता है, बरबर। हमारा ERP सिस्टम है जहाँ पे आपका पूरा ऑडिट होता है, कितनी गाड़ी आई, कितने जॉब कार्ड बने, कितना स्पेयर पार्ट बेचे हमने, कौन से स्पेयर पार्ट में क्या प्रॉफिट आया है, ऑयल में है तो ऑयल में कितना प्रॉफिट आया, ऑयल क्या बेचा, कौन से, वो सारा कुछ वहाँ पे मेंटेन होता है, और हम वही डेटा लेके आपको आगे आगे कैसे बढ़ना है वो गाइड करते हैं, बरबर। हम जो भी फ्रेंचाइजी बना रहे हैं उसको हम एज ए पूरा पैकेज है हमारा 7.5 लाख का, वो आगे आएगा, लेकिन उसमें क्या क्या देते हैं, जैसे टूल्स एंड इक्विपमेंट सारा कुछ हम लगाते हैं, उसका मेंटेन भी हम करते हैं, बरबर। ब्रांडिंग मटेरियल सारा फ्रंट फेसिया, स्टेशनरी, आपका इन्विटेशन कार्ड, विजिटिंग कार्ड से लेकर सारा स्टेशनरी हम यहाँ से प्रिंट करके बेचते हैं आपको, बरबर, फर्स्ट टाइम में। मार्केटिंग किट है तो मार्केटिंग किट का भी हम आपको देते हैं। सॉफ्टवेयर है तो पूरा डिटेल सॉफ्टवेयर, ERP सिस्टम है हमारा। हमारा ऐप है तो ऐप के ऊपर भी आपका, जैसे आउटलेट है तो आउटलेट के लिए अलग ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर, हमारा कस्टमर है तो कस्टमर के लिए अलग ऐप है, और तो उसके ऐप के थ्रू आपको बुकिंग्स वगैरह मिलते हैं, मार्केटिंग सपोर्ट मिलता है, हैंड होल्डिंग है, एक्टिविटीज है, ट्रेनिंग देते हैं हम सारी कुछ, और टेक्नीशियन एडवाइजर वगैरह की आप अलग अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल है, विजिट ऑडिट होता है हमारा। और अभी ये फ्रेंचाइजी लेने के प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस में हमारे एप्लीकेशन फॉर्म एक लेते हैं आपके पास, और 1 लाख का DD लेते हैं, उसके बाद LOI जनरेट करके देते हैं, वो एरिया में आप आउटलेट बना सकते हैं। उसके बाद आपको 2-3 जगह ढूंढना है, हमको जगह चाहिए रेसिडेंशियल कॉमर्शियल एरिया में, पर जहाँ पे आसपास में सोसाइटी से, कॉलोनी से, उसके आसपास में हम आउटलेट या अच्छा तरह से चला सकते हैं और बना सकते, डेवलप कर सकते हैं। बेसिक साइट वर्क जो भी चाहिए वो हम करवाएंगे, साथ में मिलके फाइनल पेमेंट्स, और उसके बाद मटेरियल वगैरह रिक्रूटमेंट होगा और ट्रेनिंग होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है, फोटोग्राफी वगैरह, आपका LOI जनरेट होता है, जैसे आपका अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो जनरेट होता है, और उसके बाद हम चालू करते हैं।
हमारा फोकस है, अभी हमने 52 आउटलेट ओपनिंग कर दिया मैंने पहले, तो टारगेट है हमारा सेकंड 2 टायर सिटीज और 3 टायर सिटीज में भी हम बनाते, तो 100 फ्रेंचाइजी 31 दिसंबर तक बन जाएंगे पान इंडिया। हम हमारे साथ हमारे बहुत सारी कंपनी से जिनके साथ हम ऑफिशियल, ये लोग हमारे पार्टनर से, जैसे स्पेयर पार्ट है तो स्पेयर पार्ट का मिंडा है तो ऑल ओवर इंडिया में हमारा मिंडा के साथ टाया पे, लुब्रिकेंट से तो ऑयल है, कैस्ट्रोल है तो कैस्ट्रोल के साथ हमारा ऑल ओवर इंडिया में, हमारा कोई भी आउटलेट कहीं पे भी बनता है तुरंत ही मिंडा की टीम और कैस्ट्रोल की टीम हमको मटेरियल सप्लाई करती है, और उसके लिए साथ हमने बेस्ट रेट वगैरह भी हम नेगोशिएट करके रखा है। और इंश्योरेंस है तो रिन्यू बाय कंपनी के साथ काम टाया पे, सॉफ्टवेयर वगैरह है, वारंटी प्रोग्राम है तो आपको बताऊं मैं, CWI, CWI 20 साल पुरानी कंपनी है, कैस्ट्रोल मिंडा के बारे में मेरे को बनाने की बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन CWI के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। आपके पास जो भी टूल होगा, जो भी कंपनी का होगा, शायद वो उसके बैकएंड में आपको CWI की वारंटी मिली होगी जब नया लिया होगा, तो वही कंपनी ने हमको स्पेशल पुराने टू व्हीलर के ऊपर वारंटी प्रोग्राम बना के हमने दिया है हमको, बरोबर। 10 स्टेट में अवेलेबल है, 25 सिटीज में अवेलेबल है, इस तरह का हम पूरा आउटलेट बनाते हैं, फ्रंट फेसिया वगैरह, बरोबर। ये अलग अलग हमारे आउटलेट के मॉडल है जिसमें हम पूरा, हम ये ब्रांडिंग देख रहे हैं आप तो वो सारा कुछ हम करके देखते हैं, मैकेनिक का ड्रेस ट्रेनिंग्स, बरोबर। इंटीरियर जो भी देखते हैं आप, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड एंड व्हाइट कलर सिर्फ आपको करवाना है और बाकी सारा कुछ ये ग्राफिक्स है सारा कुछ हम करेंगे, मशीनरी वगैरह भी हम लगाएंगे, उसका मेंटेन भी करेंगे, ये इलेक्ट्रिक और टेबल चेयर वगैरह आपको प्रोक्योर करना है, बाकी सारा कुछ यहाँ पे जैसे हवा का दिख रहे हैं, या इसके पीछे वॉशिंग एरिया है बना हुआ है, इसके पीछे वॉशिंग एरिया बना हुआ है, तो सारा कुछ हम बना के देंगे आपको। ये आप देखें तो यहाँ पे टेक, मैंने पहले बताया कि हम मशीन सेंट्रिक है, बरूबर, तो टेक्नोलॉजी की आयुष है, ये बैटरी सर्विसिंग का मशीन है, बरूबर, ये हाई एंड बाइक सर्विस करने के लिए मशीन है, ये प्लग प्लग क्लीनिंग कर लेने क्लीनिंग करने के लिए गन है, न्यूमेटिक्स है, तो यानी सारा कुछ ऑलमोस्ट काम मशीन से होता है। मशीन से होता है तो एक तो क्या होता है, एक्यूरेसी आता है, दूसरा क्या होता है पता है, एक्यूरेसी के साथ दूसरा ये होता है कि उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, जो बंदा मशीन के साथ काम कर रहा है उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, बरूबर। तो बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब में जो मैं आगे दिखाऊंगा आपको। आउटलेट चालू हो जाने के बाद हम ये सपोर्ट करते हैं आपको, जैसे हमारा मार्केटिंग एक्टिविटीज जो बोलते हैं, बरूबर, तो ब्रांड प्रमोशन मार्केटिंग एक्टिविटीज, आप ये देख रहे हैं तो फ्री चेकअप कैंप हमने किया था, बरूबर, तो इस तरह से सबको गैदरिंग करते हैं और सबको बुलाते हैं, तो फ्री करो। अभी कोरोना के बाद ये थोड़ा बहुत गैदरिंग कम हो गया तो हमने सोशल मीडिया प्रमोशन चालू किया, हर एक एरिया में जहाँ पे भी हमारा आउटलेट बनता है वहाँ पे हम तुरंत ही सोशल मीडिया का प्रमोशन चालू कर देते हैं, तो तुरंत ही वो एरिया में इंक्वायरीज वगैरह जनरेट हो जाती। ये आप देख रहे हैं तो बहुत बड़ी 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 कंपनी है तो उनके साथ हम कॉर्पोरेट एक्टिविटी करते हैं कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, वो सारा कुछ हम वहाँ पे जाके उनके एम्प्लॉय से उनको गाइड करते वगैरह। हाँ, उसके अलावा हम PUC कैंप करते हैं आउटलेट का, आउटलेट के बाहर हम प्रमोशन करने के लिए PUC कैंप वगैरह भी करते हैं, बरूबर। फिर हम यहाँ पे पुलिस वगैरह या कोई भी सोशल एक्टिविटी CSR एक्टिविटी जिसको बोलते हैं तो टाइम टू टाइम वो भी हम करते हैं, CSR एक्टिविटी वगैरह भी, बरूबर। जैसे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे स्टिकर एक्टिविटी हमने किया था, बरूबर, अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्टिविटी होती है, जैसे आप मुंबई होता है तो मुंबई में गणपति का त्यौहार होता है तो वहाँ पे गणपति का गेट वगैरह है, बिहार में तो इसकी ऐसी रिक्शा चल रही है तो वहाँ पे ये हम ओके करते हैं। मैंने जैसे पहले बताया फर्स्ट टाइम इन इंडिया सैनिटाइजिंग बाइक फैसिलिटीज ऑन बाइक्स एंड स्कूटर्स, बरोबर, तो वो आप कहीं आपके आसपास भी शायद कोई ऐसे लोग होंगे जिनको पता होगा कि आसपास में आउटलेट है तो वहाँ के जाके ये फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं आप, बरोबर। बहुत सारे मीडिया कवरेज भी आए हमारी कंपनी में, बरोबर, बहुत सारे अवार्ड रिवॉर्ड्स में मिली है, मैं लिए वाइब्रेंट गुजरात के ओर से, सयाजी स्टार्टअप समिट के ओर से, फिर MS यूनिवर्सिटी की ओर से, बरोबर, अभी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और जी बिजनेस की ओर से हमको ये स्मॉल बिजनेस अवार्ड 2020 ऑटोमोबाइल एक्सेलरी एंड ऑटोमोटिव एंड एक्सेलरी बिजनेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ है, बरूबर। तो ये सारा कुछ हमारा जो काम है वो लोगों ने अप्रिशिएट किया है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ये वडोदरा पुलिस के साथ हम 7-8 साल से जुड़े हुए तो वो रेगुलर वहाँ पे भी एक्टिविटी हर एक एरिया में करते, ऐसा नहीं वडोदरा मुंबई में, मुंबई में तो मुंबई के एरिया में, पुणे में तो पुणे की पुलिस के साथ भी ये काम करते हैं, बरूबर। बहुत सारे बाइजेक्स वगैरह हैदराबाद में भी हमने एक्टिविटीज किया है, बहुत सारे मीडिया प्रमोशन भी, आप हमारे यूट्यूब पे भी हमारे सारे वीडियोस अवेलेबल है, बरूबर, तो कोई मैकेनिक का एक्टिविटी है कुछ भी होता है तो हम पार्टिसिपेट करते हैं। अभी ये बिजनेस चालू करने के लिए इन्वेस्टमेंट क्या करना है, जो पहले मैंने बताया 7.5 लाख रुपये, तो 7.5 लाख में हम क्या देंगे, तो हमारा फ्रेंचाइजी फीस सिर्फ 1 लाख रुपया है, उसके अलावा जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स लगेंगे वो 3.5 लाख रुपए के लगेंगे और बेस्ट क्वालिटी के लगेंगे,
आपको बताऊं हमारे जो भी टूल्स लगते हैं बेस्ट कर, क्योंकि हमको कोई कंप्लेन नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा बिजनेस टूल्स नहीं है, हमारा बिजनेस कस्टमर को सर्विस देना है। दूसरा क्या है, ये बिजनेस में कस्टमर सर्विस तो है ही नहीं, जैसे मैंने पहले बताया वो पानी का भी नहीं पूछता है, बैठने की जगह नहीं वगैरह। हम सारा हमारा आउटलेट जो भी बनाते हैं वहाँ पे मैं पूरा फैसिलिटी दे सकते हैं, मैं आपको भी आगे वीडियो में भी बताऊंगा। इंटरनल सुपर ग्राफिक्स वो सारा हम करते हैं, ब्रांड फ्रंट फेस या ब्रांडिंग, स्टेशनरी से सॉफ्टवेयर है, ट्रेनिंग वो सारा कुछ हम आपको देंगे, ऑडिटिंग मॉनिटरिंग करेंगे आपका आउटलेट का, टाइम टू टाइम ऑडिटिंग रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है हमारा, तो मार्केटिंग सपोर्ट होता है और आपको मार्केटिंग और डेवलपमेंट का भी सपोर्ट हम देते हैं, कुछ 7.5 लाख रुपया प्लस जो भी GST होता है वो हम चार्ज करते हैं। अभी ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट तो कर लिया, आउटलेट बना दे रहा है, पैसा कैसे मिलेगा? तो पैसा कैसे मिलेगा, आप देखो ये बेयर मिनिमम अगर 10 गाड़ी भी सर्विस में आती है ना हमारे पास, तो दिन का अगर 250-300 रुपया सर्विस का होता है तो 2500-3000 रुपये हमको वहाँ से मिल जाता है। और वो ल्यूब्स है तो 10 गाड़ी में एवरेज 6-7 ल्यूब बिकते हैं, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है बरबर। तो वहाँ पे 100 रुपीज जैसा मार्जिन है तो वहाँ पे भी 600-700 रुपया मिल जाता है। स्पेयर पार्ट है तो स्पेयर पार्ट में आप देखो तो आपने जब भी टू व्हीलर सर्विस करवाते हैं ना, कुछ कुछ ना कुछ स्पेयर पार्ट लगते हैं, जो स्पेयर पार्ट लगते हैं वो स्पेयर पार्ट का में 30% एवरेज मार्जिन है बरबर। तो वहाँ पे 1000-1200 रुपया आपको डेली का मिल जाता है बरबर। एक्स्ट्रा लेबर आपको बताऊँ, हम छोटे से छोटा कस्टमर को भी अटेंड करते हैं बरबर, कि भाई कुछ को लाइनर चेंज करना है या केबल चेंज करना है या इंडिकेटर चेंज करना है या कुछ भी, तो उसको भी हम एडिशनल माइनर लेबर भी मिलता है। मेजर जॉब जैसे मैंने बताया, इंश्योरेंस भी बेचते हैं और इंश्योरेंस के साथ हम इंश्योरेंस क्लेम वगैरह का भी काम करते हैं बरबर। तो इंश्योरेंस वगैरह का क्लेम जो काम करते हैं तो वहाँ पे भी हमको पैसा मिल रहा है बरबर। तो 5000 अगर इंश्योरेंस का क्लेम जब भी होता है ना, 4-5 हज़ार का एवरेज बिल टिकट साइज होता है, बिल का टिकट साइज बरबर, तो वो दिन का 600-700 रुपये का काम वहाँ पे भी हो जाता है। ये बिजनेस क्या है बताए, ये डायरेक्ट इनकम हुआ है, यानी दिन में 5-6 हज़ार रुपया डायरेक्ट इनकम आराम से यहाँ पे कमा सकते हैं। अभी इनडायरेक्ट इनकम भी है इसमें, इसमें नया डालेंगे तो भी मिलेगा, पुराना निकलेगा उसमें भी पैसा मिला, यानी ये सुनार जैसा बिजनेस है, गोल्ड स्मिथ जैसा बिजनेस है बरबर। वो क्यों है बताए, क्योंकि आप देखो तो आप जब भी गाड़ी सर्विस करवाए, आपने स्पेयर पार्ट डाला है, नया डाला है, नया ऑयल डलवाया, लेकिन पुराना कोई चीज़ आपके लेके नहीं आ रहे आउटलेट से। लेकिन हमने यहाँ पे नया ट्रेंड बनाया, हम कस्टमर को ऑफर करते हैं कि सर आप ले जाइए, हम अच्छा सा पैकिंग वुमेन बैग रखा होता है, हम आप ले जाइए, लेकिन कस्टमर 98-99% कस्टमर कोई नहीं लेके जा रहा है बरबर, वो बोला स्क्रैप में डाल दो बरबर। तो वो जो स्क्रैप निकलता है ना, वो 200-300 रुपये का डेली का स्क्रैप आता है यहाँ पे बरबर, उसको हम सेग्रीगेट करके रखते हैं और वहाँ से इनकम जनरेट करते हैं आउटलेट का बरबर। वर्कशॉप का जो इनकम है, तो इनकम जो लेने के लिए कुछ एक्सपेंस भी करना पड़ेगा, जैसे जगह का भाड़ा है, मेन पावर का सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, टैक्स टैक्सीज भरने पड़ेंगे क्योंकि हमको साफ सुथरा काम करना है बरबर, इंसेंटिव वेलफेयर करना पड़ेगा मेन पावर्स वगैरह का बरबर, इन्वेस्टमेंट ईएमआई जो भी आपके इन्वेस्टमेंट किया होगा उसका कुछ ना कुछ ईएमआई भी आएगा, वो सारा कुछ। अगर आप टोटल एक्सपेंस की बात करेंगे तो आप जगह एवरेज 30,000 की जगह ढूंढी हमने, तीन लड़के रखे हैं, 3 या 4 लड़का है लड़की, और इलेक्ट्रिसिटी बिल सब मिला के आपका 1-1.5 लाख का खर्चा होगा। जैसे हमने 6,000 का डेली का इनकम काउंट किया तो 25 दिन अगर हम काम करते 1.5 से 2 लाख रुपये का इनकम होता है, उसके सामने खर्चे की बात करें तो 60-70 हज़ार से 1 लाख का खर्चा होता है। एवरेज 60-70 हज़ार ये बिजनेस में कमाना बहुत ईजी है बरबर। और सारे फ्रेंचाइजी, बहुत सारे फ्रेंचाइजी हमारे ये लेवल पे 3 महीने में भी आ जाते हैं, 6 महीने में भी आ जाते हैं, 1 साल में हम आपको ब्रेक इवन पॉइंट पे आना 6 से 8 महीना बोलते हैं बरबर। ये बिजनेस ऑटोमोबाइल का ही बिजनेस क्यों करना चाहिए, मेरे को बिजनेस करना, आपको बिजनेस करना है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। जैसे ये वेबिनार हो रहा है, बहुत सारे वेबिनार भी हो रहे हैं बरबर, रेगुलर हो रहे हैं यहाँ पे, तो आपको ये ऑटोमोबाइल ही क्यों चूज करना चाहिए? ऑटोमोबाइल इसलिए चूज करना चाहिए, आप मैंने यहाँ पे कंपेरिजन दिखाया, देखो आप रिटेल का भी बिजनेस कर सकते हैं, फूड का भी कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल भी कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर देखेंगे ना तो हमारा इन्वेस्टमेंट लो है। आज टोटल 7.5 लाख रुपये ही है, और उसके अलावा जगह का डिपॉजिट वगैरह काउंट किया तो 10 लाख रुपये में ये बिजनेस चालू हो जाता है बरबर। मैं आपको बताऊं, गुजरात में 10 लाख में पान का गल्ला भी मन चालू नहीं होता है बरबर। तो ये टाइप का, ये इतना लो इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस चालू हो जाता है बरबर। स्टॉक इन्वेंट्री, तो स्टॉक इन्वेंट्री जैसे मैंने बताया कि हमारे सप्लायर है, वीकली सप्लाई करेंगे, आपको कोई इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं है बरबर। 50-60 हज़ार का स्टॉक रखा बहुत है बरबर। तो रिटेल वगैरह में तो बहुत हाई होता है, यानी आपको पूरा रेंज रखना पड़ेगा बरबर। फूड एंड बेवरेज में भी सेम है बरबर, कौन सा कस्टमर कौन सी सब्जी कब मंगाएगा पता ही नहीं है बरबर। हालांकि वो अभी तो डाउन है, लेकिन अगर जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमको पता ही, हम वहाँ पे जाके डिसीजन लेते हैं ना कौन सी सब्जी खानी बरबर।
ओवर हेड एक्सपेंस है तो यहाँ पे ओवर हेड एक्सपेंस एकदम मीडियम है, जैसे मैंने पहले बताया कि मेन पावर का सैलरी और अपना मिशनरीज एक्सपेंस और जगह का भाड़ा, बरबर। तो यहाँ पे फूड डिलीवरी में मटेरियल मटेरियल 2 दिन के बाद चलता नहीं है, कोई भी है, ग्रेवी है या कुछ भी है, बरबर। रिटेल है तो रिटेल में भी सेम है, आउटडेटेड फैशन का चीज हो गया तो वो बिकता ही नहीं है, तो वहाँ पे भी सीजनल इफेक्ट भी होता है, ओवर हेड एक्सपेंस भी होता है, बरबर। यहाँ पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि कोरोना के बाद तो ये बिजनेस ज्यादा इसलिए चल गया क्योंकि लोग अभी टू व्हीलर के ऊपर ही अपना काम कर रहे हैं, बरबर। फोर व्हीलर वाला है तो कोई फोर व्हीलर वाले की इनकम कम हो गई इसलिए वो बजटिंग में टू व्हीलर चला रहा है, और जिसको जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहा था आज रिक्शा वगैरह में 2 लोग 3 लोग, तो वहाँ पे 1 या 2 लोग की परमिशन हो गई तो वो रिक्शा का भाड़ा बच गया, तो लोग टू व्हीलर लेने के लिए निकल पड़े, बरबर। टू व्हीलर इतना है कि आज 15-20 हज़ार में अच्छे से अच्छा सेकेंड हैंड टू व्हीलर लेके बंदा कोई भी अपना काम चला सकते हैं, कंज्यूमर नीड का बिजनेस है, बरबर। अब अगर आप देखो आपका रिबॉक या नाइक का कोई भी चीज चाहिए तो आप वो एक सेविंग के बाद चाहेंगे, सेविंग के बाद करेंगे, बरबर। तो लेकिन अगर आप फूड एंड बेवरेजेस है तो वहाँ पे भी मीडियम नीड है, या डेली नीड का ये बिजनेस है, बरबर। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ तो मैंने पहले ही बताया कि सारे जैसे आप यहाँ पे 18 टाइप्स की इनकम है, बरबर। जैसे सर्विस का पैसा मिलता है, लेबर का पैसा मिलता है, स्पेयर पार्ट में पैसा मिलता है, इंश्योरेंस में पैसा मिलता है, इंश्योरेंस का क्लेम आता है तो पैसा मिलता है, वारंटी में पैसा मिलता है, बरबर। आप वहाँ पे बैठ के आरटीओ का काम करते हैं उसमें भी पैसा मिलता है, डिटेलिंग वॉशिंग सब में पैसा एवरीवेयर, बरबर। तो वहाँ पे पैसा मिलता है, बरबर। अगेन ये प्रोसेस है हमारा, जैसे मैंने पहले ही भी बताया वैसे पूरा ये हमारा प्रोसेस है। मैं आपको दो एक वीडियो दिखाऊंगा कि जो फ्रेंचाइजी, एक फ्रेंचाइजी ऐसा है जिसने कोई भी आज तक टू व्हीलर का बिजनेस कभी नहीं किया था, बरबर, तो उसने फ्रेंचाइजी लिया है। और दूसरा वीडियो मेरे पास ऐसा है कि जो 18 साल से यही बिजनेस में है, तो आपको कंपैरिजन हो जाएगा कि अगर देखो ये 18 साल पुराना जो व्यापारी है वो भी स्पीड फोर्स की फ्रेंचाइजी लेके बैठा है, और जिसको ऑटोमोबाइल में सिर्फ उसको नॉलेज था, ऑटोमोबाइल नॉलेज यानी उसको पैशन था बाइक और स्कूटर का, तो इसलिए उसने फ्रेंचाइजी चालू किया है, बरबर। तो मैं ये आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ। शहर में स्पीड फोर्स की यह 9वीं फ्रेंचाइजी है जिसका शहर के भाईली इलाके में शुभारंभ किया गया है। अहमदाबाद, गांधीनगर, आणंद, पुणे, की सूरत, मलाड, कांदिवली, मुंबई, गोरखपुर, सीमसागर, आसाम में इसका बेहतरीन प्रदर्शन और मिली सफलता के बाद स्पीड फोर्स अल्कसन मोटर्स की नई मल्टी ब्रांड टू व्हीलर वर्कशॉप शुरू की गई है जिसका वडोदरा शहर में आज शुभारंभ। देखिए, मैंने स्पीड फोर्स के साथ जो टाइप किया था वो इसलिए किया क्योंकि इनकी सर्विसेज मुझे बहुत प्रोफेशनल लगी, और क्योंकि मैं खुद कई कंट्रीज में रह के आ चुका हूँ और मुझे पता है कि प्रोफेशनल सर्विसेज कैसे मिलती हैं कंट्रीज को, वही चीज़ मैं इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। और यही रीज़न है कि अब जैसे पिकअप ड्रॉप की फैसिलिटी है, लोगों का टाइम ख़राब नहीं होगा, लोग ऑफिस जाते हैं बाइक ठीक नहीं करा पाते हैं, बाइक ठीक नहीं करा पाते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करना है, बिजनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब बाइक की सर्विस हम खुद जाते हैं, पिकअप करते हैं बाइक और उसको ठीक करते हैं, ड्रॉप करते हैं, और इस तरीके से ये मुझे सबसे अच्छी चीज़। और उसके बाद हम बाद में सीसीटीवी कैमरा से आप उसकी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे ही आपकी बाइक आती है उसके बाद एक लिंक जनरेट हो जाएगा और आपके पास वो लिंक जाएगा, आप देख सकते हैं कि आपकी बाइक में क्या क्या काम हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो काम है, हमें मेरे को बिल्कुल एक क्लीन काम करना था, और ये स्पीड पोस्ट के माध्यम से मुझे बहुत प्लेटफॉर्म मिला जिसकी वजह से मतलब मैं ये कर पाया हूँ। मेरा ये बेसिकली पैशन है, इनके 5 वाले के वीडियो कॉल करिए, इसलिए मैं चाहता था कि इस तरीके की वर्कशॉप खोली जाए। सो मेरा नाम मोहन वैद्य है, मैं स्पीड फोर्स जो हमारी कंपनी है उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। ये पिछले 3 साल से हम बड़ौदा से स्टार्ट किए हैं, और हमारे ये आउटलेट जो है अभी हम प्रेजेंट है गुजरात में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, आसाम में है, और आगे चल के हमारा MP गुजरात, राजस्थान, ये जो स्टेट से ये कवर करने का है, जो कि ऑलरेडी हमारे पास में प्रपोजल्स है ये शुरू हो जाएंगे। अभी तक के हमारे पास में 30 आउटलेट यहाँ पर है सब मिला के,
और हमारी जो कंपनी है ये मार्केट में यदि आप देखेंगे कि जिसमें सर्विसेज जो है, सर्विसेज देने वाले दो चैनल है, एक तो जो लोकल मैकेनिक्स होता है, दूसरा है हमारा डीलरशिप है। तो ये दोनों में जो सर्विस मिलती है उसमें कस्टमर के लिए जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो प्रॉब्लम्स को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं ये हमारी कोशिश रहती है। और उस कोशिश में हमको ये हमारा अलग से एक स्टैंड आउट होता है स्पीड फोर्स जो है, कि हम वहाँ पर कस्टमर फोकस बहुत ज़्यादा करते हैं। सर्विस तो सबको ही करता है, गाड़ी में सर्विस है, प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सबके लिए, बट कस्टमर के लिए सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा एक प्रॉब्लम है, वो गाड़ी नहीं लेके आ सकता है तो हम उसको पिकअप ड्रॉप प्रोवाइड करते हैं। इस टाइप का जो है, जैसे आप यहाँ आउटलेट देख रहे हैं, या आउटलेट में कस्टमर आता है गाड़ी के प्रॉब्लम्स के साथ में, उसके प्रॉब्लम सुनने के लिए भी हम तैयार हैं। उसको बैठने के लिए जगह है, पीने के लिए पानी है, प्राइसेस है, सब ट्रांसपेरेंसी है। और ये छोटा सेटअप होने के कारण यहाँ पर जो भी काम हो रहा है उसके पूरी ट्रांसपेरेंसी जो है कस्टमर के मिलती है। अभी ये अपन आएंगे कि ये जब करते हैं तो इसमें हम प्राइस ज्यादा करते हैं, प्राइसिंग हमारा बिल्कुल ज्यादा नहीं होता है। जो लोकल मैकेनिक्स आजू बाजू में होते हैं, इनकी एक संगठन होती है, उनका एक प्राइस लिस्ट होता है, वही प्राइस लिस्ट हम फॉलो करते हैं, उससे हम ऊपर नहीं करते हैं। चाहे तो हम डिस्काउंट देंगे बट प्राइसिंग वही होता है। पार्ट्स जो रहता है हम पार्ट्स पूरे जुलाइन पार्ट्स यूज करते हैं, आस पास में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं उनसे हम टाइप करके देते हैं और वही से हम पार्ट्स यहाँ पर देते हैं। जब ये शुरू करते हैं तो जो मैन पावर है उनको ट्रेनिंग हमारी तरफ से लेते हैं। जो हमारा सेटअप रहता है, जैसे आपने देखा है कि जो ओनर है उन्होंने जगह प्रोवाइड की है, और बाकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हमारी तरफ से प्रोवाइड किया हुआ है। इंस्टॉलेशन हम करते हैं, ट्रेनिंग हम करते हैं, यहाँ तक कि हम पूरा स्टेशनरी जो है, जॉब कार्ड है, बिल बुक है, विजिटिंग कार्ड है, ये सारी चीज़ें हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाती है। इसकी पब्लिसिटी जो है वो हम ही पूरी अरेंज करते हैं, और दो साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अंदर इनको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग चार लोग हैं जो गुजरात में बैठते हैं, बड़ौदा में हमारा ऑफिस है, वहाँ से हम ये पूरी एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं। तो दो साल तक उनको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमारी टीम वहाँ इमीडिएट पहुँच जाती है। उनके रिलेटेड प्रॉब्लम है, कस्टमर के रिलेटेड प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये सारा सॉल्यूशन जो है हम ही लोग यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। तो ये पूरी कंप्लीट एक्टिविटी है, और हम चाहते हैं हम इस मौके पे जो हमारे यहाँ के ओनर है उनको हम बधाई देते हैं, हम पूरे उनके साथ में है। ये एरिया बहुत, ये जो मैंने दिखाया ना वो उन्होंने बड़ौदा में फ्रेंचाइजी चालू किया है, और उन्होंने जो फ्रेंचाइजी चालू किया है वो फ्रेंचाइजी चालू होने से एक वीक पहले ही वो यहाँ पे बड़ौदा में शिफ्ट हुए, समझ रहे। अभी मैं आपको एक वीडियो और दिखा रहा हूँ, जो फ्रेंचाइजी हमारा है जिसको यही बिजनेस का 18 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको पता चलेगा कि अगर ये इसको बंदे को 18 साल का एक्सपीरियंस है फिर भी स्पीड फोर्स का क्यों उसने आउटलेट बनाया, बरोबर। तो वो एक लेवल का आपको पता चलेगा कि ये क्या उसने देखा होगा स्पीड फोर्स में, जो बंदा बिहार के निर्मली यानी नेपाल के बॉर्डर से आके बड़ौदा में हमारे साथ मीटिंग करके आउटलेट का फ्रेंचाइजी साइन अप करके बनाया हुआ है, और बनाया हुआ है यानी कितना वो, हमने तो सिर्फ चलो हमारे 7.5 लाख रुपए मशीनरीज वगैरह टूल्स ब्रांडिंग है, लेकिन उसने खुद के और 30 लाख रुपए वहां पे इन्वेस्टमेंट किए। उद्घाटन किया गया जिस व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। इस वर्कशॉप में एक ही जगह पर सभी कंपनियों के बाइक, स्कूटी व अन्य दोपहिया वाहनों के उच्च स्तरीय सर्विस की सुविधा देने की बात की गई है। दोपहिया वाहनों के मूलभूत सुविधा के साथ साथ ग्राहकों की संतुष्टि तथा नेशनल क्लास फैसिलिटी देने का भी दावा स्पीड फोर्स के पंसारी सर्विस से किया गया है। कोसी मिथिला टीवी और मैं हूं तारिकन। अभी हम मौजूद है पंसारी कॉम्प्लेक्स में, यहां पर स्पीड फोर्स कंपनी के द्वारा जो फ्रेंचाइजी दी गई है निर्मली में, टू व्हीलर से रिलेटेड है ये। और ये मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को, ये बिहार में पहली बार ऐसी सुविधा दी जा रही है जहां पर टू व्हीलर से रिलेटेड जितने भी गाड़ी है सबो के सर्विस के लिए एक ही जगह एक्युमुलेट होकर आप इसके सर्विस करवा सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है कि मैं इस सर्विस सेंटर में जाऊं या उस सर्विस सेंटर में जाऊं। बहुत सारी सुविधा है इस स्पीड फोर्स के सर्विस सेंटर में, ये हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में। हम बात करते हैं सौरभ पंसारी जी से, ऑनर है इस फ्रेंचाइजी के। नमस्कार। बहुत दिनों से मन में ख्याल चल रहा था, मेरा ये काम है स्पेयर पार्ट्स का, पिछले 18 साल से मैं ये काम निर्मली में कर रहा हूँ। बहुत दिनों से ख्याल चल रहा था कि कुछ ऐसी सुविधा दी जाए, जितने भी टू व्हीलर सेक्शन के लोग हैं
वो कभी भी आते हैं तो बहुत सारी शिकायत करते थे दुकान पे कि भैया ये काम ऐसे नहीं हो रहा, वो काम वैसे नहीं हो रहा, गैरेज में गया काम हुआ लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। मन में एक इच्छा थी कि एक ऐसी ब्रांड, एक ऐसा सर्विस सेंटर यहाँ खोला जाए एक छत के नीचे में, एक कस्टमर आए और अपनी सारी सुविधाओं के साथ जितनी भी उनकी प्रॉब्लम हो वो यहाँ सॉल्व हो। हमारे यहाँ जो अभी सुविधा दी जा रही है, कस्टमर आएंगे उनकी सारी गाड़ियों की सर्विस है, उनके साथ है उनकी गाड़ियों की पीयूसी यहाँ की जाएगी, फोम वॉश की सुविधा हमारे यहाँ है, नाइट्रोजन गैस फिलिंग की जो सुविधा है हमारे यहाँ, मेरे ख्याल से ये सुविधा आज के रेट में दरभंगा तक हमारे यहाँ से नहीं है। किसी भी चक्के में आप नाइट्रोजन गैस फिल करो तो वो चक्के का टेम्परेचर कम रहता है, चक्के में वेयर टेयर कम रहता है, वो सुविधा हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो है वो एक्सटेंडेड वारंटी की सुविधा है, जो मात्र 499 रुपये में एक साल तक की जो है वो आपकी गाड़ी को एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएंगी। इसमें मेजर पार्ट्स जो है टू व्हीलर्स के वो कवर्ड होंगे। इस एक साल के दरमियान में अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आता है तो लेबर छोड़ के आपको कुछ पैसा पेमेंट नहीं करना है। ये बहुत बड़ी सुविधा हो गई लोगों के लिए। इसके अलावा जो हम प्रोवाइड करेंगे वो सभी कंपनियों के इंश्योरेंस हम करेंगे, यहाँ से पुराने इंश्योरेंस का नवीकरण करेंगे और उस दरमियान में अगर कोई क्लेम आता है तो उस क्लेम के भी सेटलमेंट यहीं से हम लोग करवाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधा है हमारे यहाँ, तो कस्टमर को एकदम निफिक्र होकर यहाँ आना है, गाड़ी देना है और बिल्कुल चिंता मुक्त होकर सारी गाड़ियों का समाधान यहाँ से। तो ये पूरा इस तरह से पूरा हम आउटलेट का हमारा सपोर्ट रहता है सब जगह पे और हर एक एरिया में सपोर्ट करते हैं। हेलो यस सर। हाँ अभी क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं एक और आउटलेट दिखा देता हूँ फिर हम क्वेश्चन करते हैं। एक आउटलेट का जो एक फोटोग्राफ से वो वीडियो है हमारा, रिसेंटली हमने आउटलेट बनाया है यूपी में बाराबंकी में। अभी ये स्पेशल फोटो से सिर्फ आउटलेट का ही मैं दिखा रहा हूँ वीडियो, तो आपको पता चलेगा कि आउटलेट में क्या क्या फैसिलिटीज होती है। जैसे हमने बताया कस्टमर का बैठने का जगह है, फिर अपना ये रिसेप्शन एरिया है, ये स्पेयर पार्ट का एरिया है, यहाँ पे काम होता है, यहाँ पे स्पेयर जगह रखा है कि पूरा वॉशिंग एरिया है यहाँ पे, ये होम वॉश वगैरह गन लगे है, सब कुछ सैनिटाइज के लिए यूज होता है सब कुछ। सारा कुछ सपोर्ट हमारा मिलता है आपको। हाँ अशोक जी हेलो। यस सर। हाँ हाँ मैं एक और बता देता हूँ जो डेटा मैंने बताया था सबको। अब देखिए आज का बिजनेस वास्कर है ये, बराबर
इसमें आर्टिकल है मई महीने मई की तुलना में जून में 9 गुना तक बड़ी बाइक और कार की बिक्री, बराबर हर एक एरिया का है। यहाँ पे भोपाल है, औरंगाबाद है, फिर अपना यूपी है, रायपुर है, बराबर तो सारे एरिया का ये डेटा, आप शिमला है, जयपुर है, तो सबका एरिया का वो पूरा डेटा उन्होंने करके ये इस आज पब्लिश किया हुआ है, बराबर 1 जुलाई आज का ही है, बराबर। तो ये क्या दिखा रहा है पता, ये ग्रोथ दिखा रहा है ये मार्केट का। आप देखो तो कोरोना के बाद अभी जो सिचुएशन है सबका, बराबर सब इंडस्ट्रीज का, अगर कोई भी इंडस्ट्री देखो, चाहे फूड हो चाहे कोई भी हो, लेकिन उस वो इंडस्ट्रीज का सिचुएशन और ये इंडस्ट्रीज का सिचुएशन, यानी 9 टाइम्स चेंज हो जाना, यानी अगर एक वो ये लेवल का ग्रोथ ये ऑटोमोबाइल में ही आया हुआ है सिर्फ। हेलो, यस सर, यस दीपेन भाई, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, क्वेश्चन सभी ले लेते। यस सर, थैंक्स दीपेन जी फॉर दिस वंडरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आई होप कि हमारे पार्टिसिपेंट्स को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी काफी पसंद आई होगी। डियर पार्टिसिपेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चन, यू कैन आस्क डायरेक्टली टू मिस्टर दीपेन जी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाके रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं और दीपेन जी से डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। हाँ सब यस सर। सर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, मिस्टर दीपेश भार्गव जबलपुर से जानना चाह रहे हैं कि उनके पास एक लैंड है जहाँ पे 4-व्हीलर सर्विस स्टेशन वो स्टार्ट करने का प्लान कर रहे थे। ओके, तो वहाँ पे वो 2-व्हीलर सर्विस स्टेशन स्टार्ट करना चाहे तो आपका क्या सपोर्ट रहेगा? हाँ देखो, मैं आपको बताऊँ, 4-व्हीलर में हम आने वाले हैं, लेकिन उसको टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि हम दिवाली तक हमारा जो 100 का टारगेट है वो पहले खत्म करेंगे, समझ रहे। तो 2-व्हीलर के लिए हम आपको पूरा सपोर्ट कर सकते हैं। आपको जो जगह है, आपका जो एरिया है, वो एक बार ऐसा है तो वीडियो कॉल के थ्रू या आसपास में वीडियो, छोटा मोटा वीडियो बना के या लैंड का फोटोग्राफ्स वगैरह शेयर करके आप बता सकते हैं हमको, फिर हम आपको पूरा, ये मैंने निर्मली का जो वीडियो दिखाया वो ग्राउंड ही था, समझ रहे। आज भी मेरे पास मुजफ्फर, अभी जस्ट दोपहर को ही मेरे पास मुजफ्फरपुर है यूपी का, तो वहां से उसके फोटोग्राफ्स आए, उन्होंने बताया मेरे को यहाँ पे बनाना है, बरो? तो हम यहाँ से, यानी राइट फ्रॉम स्क्रेच, आपको बताऊं मैं फिरोजाबाद में हमारा एक आउटलेट का काम चल रहा है, बरोबर। तो वो पूरा है, वो स्क्रेच से हम आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, लेआउट बनाना है, सिविल वर्क क्या करना है, कहाँ पे कौन सी चीज आएगी, वास्तु का है तो वास्तु का हम थोड़ा बहुत गाइड करते हैं, हमारे जो नियर एंड डियर वास्तु कंसल्टेंट है उसके थ्रू सारे 2-व्हीलर्स का मार्केटिंग सपोर्ट रहेगा। आउटलेट चालू हो जाने के बाद जिनमें से मार्केटिंग, वो सारा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अभी देखो ना, तो ये हमारा बिजनेस है ना, ये अभी हमारा नेटवर्क खड़ा हो रहा है, बराबर। अभी जैसे ही नेटवर्क खड़ा हो जाएगा, उसके बाद हम हमारी ब्रांड के आपसे, आपको स्पेयर से, ल्यूब्स है, सारा कुछ हम, आप एक्सेसरीज है वगैरह, सब कुछ हम बिजनेस आराम से कर सकते हैं सब लोग मिलके। यस सर, थैंक्स दीपन जी। सेकंड क्वेश्चन है मिस्टर गायकवाड़ मुंबई से, वो जानना चाह रहे हैं एनी लोन फैसिलिटी या एनी एमजी ऑफर, मिनिमम गारंटी ऑफर। हाँ हाँ, इसमें मिनिमम गारंटी ऑफर नहीं होता है, लेकिन लोन फैसिलिटी की बात करूँ तो हमारे 4 से 5 आउटलेट अभी ऑलरेडी साइन अप हुए हैं जो लोन फैसिलिटी में है। लोन फैसिलिटी में पूरा सपोर्ट करते हैं, यानी आपने सपोज साइन अप किया, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फॉर्मेलिटी किया, उसके बाद आपको बैंक वगैरह के लिए कितना अमाउंट का लोन लेना है, उसके ऊपर से हम पूरा कोटेशन प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के आपको देते हैं, सी ए सर्टिफाइड, वो जैसे रिपोर्ट आपको देते तो आप बैंक वगैरह में सबमिट करते हैं, और जगह वगैरह कौन सी जगह में बनाना है, तो वो तुरंत आपका सेंक्शन वगैरह हो जाता है। तो पूरा सपोर्ट गाइड भी करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं, हमारे पास पूरी एजेंसी है, लोन के क्या क्या पेपर्स लगेंगे सारे, लोकल जो बैंक होगा वो आपको चूज करना है, और आपके एरिया में जो बैंक होगा उसका जो आपका डॉक्यूमेंट बैंक जो होगा वो क्लियर होना चाहिए, और उसके अलावा कोई नहीं, सारा सपोर्ट करेंगे। और दूसरा एमएसएमई में भी आता है हमारा, ये इसका कंसेप्ट है, अभी जो नया रूल्स आया एमएसएमई का, तो वहाँ पे भी ये सर्विस सेक्टर आ गया है, तो आप एमएसएमई के थ्रू भी आउटलेट बना सकते हैं।
मिस्टर अभिषेक गुप्ता जो क्वेश्चन है, ही वांट्स नो अबाउट लेबर एंड प्लांट मशीनरी, आप प्रोवाइड करेंगे या हमें करना है? दोनों तरह से हो सकता है, जॉइंट एक्टिविटी भी हो सकता है, और अगर आपके पास नहीं है तो हमारे पास एचआर एजेंसी से, जैसे आप देखो तो कोई भी कंपनी है तो सबके पास होती है, इसी तरह हमारे पास एचआर एजेंसी है, जैसे हमने पहले बताया 38 इयर्स का ब्रांड के पास एक्सपीरियंस है प्रमोटर्स के पास, तो हमने जो हमारे प्रमोटर्स है सीनियर्स डायरेक्टर्स वगैरह है, उन्होंने बहुत सारे जगह पे काम किया है, बहुत सारी जगह पे ब्रांड को खड़ा किया है पूरे इंडिया में, बरोबर, जैसे टॉप की बात बजाज वगैरह में उन्होंने काम किया है, तो उनके थ्रू हमारे पास सारी एजेंसी के सारे एरिया के डेटाबेस है, डेटाबेस भी स्किल इंडिया के साथ हमारा टाइप है, एनएसपीसी स्किल इंडिया उनके साथ भी टाइप है, तो उनका भी डेटाबेस हमको मिलता है और उनके थ्रू हम आपको मेन पावर का सपोर्ट करते हैं। अगर आपके ध्यान में है और आपको लगता है कि मेरे को यही बंदे को रखना है, अभी मेरा 2 बजे शाहजहानपुर वाले से जूम कॉल चल रहा था, उन्होंने बोला सर मेरे पास मेरा जो स्कूटर रिपेयर कर रहा है उसको ही मेरे को लेना है, तो मैंने बोला उसको पहले तो आपको उसको लेना है तो इंटरव्यू कंपनी करेगी, प्रोसेस सिखाएगी सब कुछ, तो हम आराम से उसका ट्रेनिंग करेंगे, बाद में उसको वहाँ पे ज्वाइन करवा सकते हैं, तो दोनों सिचुएशन होता है, विन विन सिचुएशन के हिसाब से ही काम करो, क्योंकि आपके यहाँ जो मेन पावर है जो काम करने वाला है उसको हमको सारा कुछ सिखाना भी पड़ेगा, तो दोनों तरह से हो सकता है, अगर आपके पास है तो उसको भी हम रख सकते हैं, अगर नहीं है तो पूरा उसका रिक्रूटमेंट से लेके सारा ट्रेनिंग वगैरह सब हम टेक कर देंगे, इवन उसको ट्रेनिंग में जब बुलाएंगे तो वहां पे रहने वगैरह का भी हमारा ही कंपनी खर्चा बेर करती है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर मनीष काले जोधपुर से, ही वांट्स टू नो कि सेल्स सपोर्ट में स्पीड फोर्स का क्या रोल रहेगा? सेल्स सपोर्ट यानी क्या होता है पता है, यहाँ पे सर्विस सेल्स सपोर्ट बोल सकते हैं हम, सिर्फ सेल्स सपोर्ट तो नहीं होता है, लेकिन अगर बाइक हम बेचते हैं तो सेल्स सपोर्ट बोलते, लेकिन ये सर्विस सेल्स सपोर्ट में क्या होता है, जैसे आपके एरिया में कॉर्पोरेट्स है तो कॉर्पोरेट्स में कैसे टाई अप करना है, बरोबर, फिर वारंटी से तो वारंटीज कैसे बेचना है, तो वो पूरा हम आपको सपोर्ट करते हैं, जैसे आपने वो फोटोग्राफ्स में देखे जैसे पीयूसी कैंप लगा है, तो पीयूसी कैंप कैसे करना है, उसका कोलेट्रल्स मार्केटिंग कोलेट्रल्स सारा कुछ हम बना के देते हैं आपको, उसका प्लान आउट करके देते हैं, आपने देखा अपना रिक्शा तो रिक्शा में जिंगल वगैरह भी हम बना के देते हैं, बरोबर, तो वो सारा कुछ हम यहाँ पे आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपका आउटलेट को ब्रेक इवन पॉइंट पे लाना वो हमारी जिम्मेदारी है, वही उसी का तो हम पैसा ले रहे हैं आपसे। थैंक्स दीपेन जी। हाँ हाँ दिनेश जी का कुछ, दिनेश जी का कुछ क्वेश्चन था, दिनेश दस मिस्टर दिनेश मिस्टर दिनेश प्लीज चैट बॉक्स में जाके रेजन पे क्लिक करिए। मिनिश दिनेश या ओके दिनेश जी ने सर कॉन्टेक्ट नंबर ड्रॉप किया है, क्वेश्चन पूछा नहीं उन्होंने। ओके कोई बात नहीं, ये दूसरा भी एक रेजन हुआ है। ओके हाँ बोलिए सर, बीडी टू हाँ बोलिए बोलिए सर। दिव्य जी नमस्कार, अजय राज शर्मा बात कर रहा हूँ दुर्ग छत्तीसगढ़ से। Okay. आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ आ रही आ रही आ रही आ रही जी जी जी। आज सवेरे जो पेपर कटिंग आपको मिली सर मैंने भेजा था। हाँ आपने भेजा था, सही है सही है। जी जी जी। आप नहीं मानेंगे वो पेपर कटिंग बहुत सारे लोगों को हमने भेजा है और वो मोटिवेशनल था हमारे लिए। जी 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 नहीं थैंक यू सो मच सर, इसीलिए मैंने भेजा है, शेयर होनी चाहिए। दीपेन भाई मेरा एक दो क्वेश्चन है, लेते हैं ये जो आपने रिक्रूटमेंट वगैरह की बात करी है, जैसे स्किल्ड में मैकेनिक वगैरह चाहिए रहेगा अपने को, है ना, तो ये आप रिक्रूटमेंट करके देंगे बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बरोबर है, लेकिन सी अगर वो बंदा आई मीन वर्कशॉप ज्वाइन करता है उसके बाद वो 3-4 महीने में छोड़ने लगता है या छोड़ने की बात करता है, तो फिर अपन कैसे करेंगे उस समय? तो क्योंकि ये जो मेरा काम रहेगा, ये वर्कशॉप वाला जो काम है, टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री है, ये तो टोटल स्किल्ड मैकेनिक पे डिपेंड करेगा, मैं तो सिर्फ शटर उठाऊंगा और शटर बंद करूंगा, बराबर है कि नहीं? मेरा जो काम है ये उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। यहाँ पे हमने कुछ प्रैक्टिस ऐसी की है जहाँ पे हमारे पास 5-5, 7-7 साल से मैन पावर ऑलरेडी है। क्यों है पता है? क्योंकि आज देखो ना, तो अगर आप देखो तो कोई भी कंपनी को एज एम्प्लॉय कोई भी बंदा क्या चाहता है पता है, उसको अच्छा सा जगह पे अच्छी तरह से काम होना चाहिए, अच्छी तरह से उनको पगार मिलना चाहिए और अच्छा उसके साथ व्यवहार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बरोबर, ये एचआर पॉलिसी यही समझाती है कि आपको वो करता है, बरोबर। तो हमने भी यहाँ पे एचआर पॉलिसी डेवलप की है मैकेनिक के लिए, हालांकि वो अगर आप मैकेनिक देखो ना तो उसकी अगर आप मार्केट में हालत देखो ना तो वो छोटू की तरह बहुत बुरी है, बहुत बहुत बुरी है, उसको उसके साथ गाली गलौज होता है, सब कुछ होता है, जितना भी चालाने के लिए भेजते हैं उसको पान लाने के लिए भेजते हैं, जितना भी मैं बोलूं कम है, समझ रहे?
जी 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 लेकिन यहाँ पे हम हमारे क्या होता है, सबसे पहला तो हम उसको सिखाते हैं कि देखो तुमको दाढ़ी नहीं रखना है, तुमको पान नहीं खाना है, ये कोई ये उल्टा सिखा रहा है ऐसा भी बोल सकते हैं आपको, बराबर। उनको ट्रेनिंग में हम बोलते थे तुमको कस्टमर के पास जा रहे हो तो तुम्हारे मुंह में पान नहीं होना चाहिए, मावा नहीं खाना है, छोड़ना है। धीरे धीरे हम आउटलेट जैसे आपका हम आउटलेट बनाएंगे तो उसके ऊपर आउटलेट के ऊपर हम आपको गाइड करते हैं कि आप इनका इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, बराबर। सारा प्रैक्टिस हम यहाँ पे करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, हर क्वार्टर में उनका मीटिंग करते हैं, रीजनल वाइज या जोनल वाइज वगैरह मीटिंग करते हैं, मीटिंग करके सबको बुलाते हैं, उसको हम सर्टिफिकेट वगैरह देते, अच्छा काम किया है उसको एप्रिसिएशन करते, आरएनआर वगैरह, आरएनआर वगैरह, एवरीथिंग एवरीथिंग सब कुछ करते। मैं आपको अभी ऐसा तो फोटोग्राफ भी दिखा सकता हूँ, तो सारा कुछ करते हैं हर एक जगह पे। ये जो है ना, दूसरा क्या होता है, मैंने आपको देखा इन्वेस्टमेंट और जो एक्सपेंस का पोर्शन दिखाया ना, प्रॉफिट वर्सेस एक्सपेंस दिखाया है कि एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव्स, देखो वही सिखाते कि आपका भी हो रहा है एज वेल एज आपको मैन पावर का भी ध्यान रखना है, समझ रहे। तो क्योंकि वो जो बंदा है उसके ऊपर तो हमारा बिजनेस है, बिल्कुल, ये स्टाफ डिपेंडेंट वर्क है, बिल्कुल। अगर हाँ, दो की जगह 20 मशीन भी लगा देंगे लेकिन आपके पास 20 मशीन चलाने वाले नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, मशीन का क्या करेंगे, सही है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उनको इतना अच्छा वातावरण देते, उनको ग्रूमिंग करते, टाइम टू टाइम ग्रूमिंग करते, उसको हम उनको और आपको वही ट्रेनिंग देते कि देख तेरा प्रॉब्लम है ना, तेरा जो परेशानी प्रॉब्लम है ना वो मेरा प्रॉब्लम है, बराबर, मेरा प्रॉब्लम है वो तेरा प्रॉब्लम नहीं है, गेट माई वर्ड, तेरा प्रॉब्लम है मेरा प्रॉब्लम है वो तेरा प्रॉब्लम नहीं, मेरा वो बोल रहे ना कि तेरे दुख में मैं तेरे दुख से मैं दुखी हूँ लेकिन मेरे सुख से तू सुखी है। मंथली में आपको आउटिंग करना चाहिए सारी टीम के साथ मिलके, बराबर बराबर, वीकली एक आध बार आप सबके साथ बैठो, क्या प्लान हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, क्या चाहिए, क्या सारा डिस्कस करो, बराबर, सारा कुछ करते हैं। अच्छा दीपेन भाई, ये तो मैं आई गेट इट, थैंक यू सो मच फॉर दी आंसर, ये आपने आंसर किया। अच्छा ये जो आपने इसकी ट्रेनिंग वगैरह की बात करी है, जो भी हम मैकेनिक्स वगैरह हायर करेंगे इनकी ट्रेनिंग की बात करी, तो इनकी ट्रेनिंग कहाँ पे करेंगे अपन, मतलब ये वर्कशॉप में होगी, आप लोगों को इसका आप लोगों ने कुछ इसका ये किया हुआ है, मैं वो जानना चाह रहा था। हमारा हमारा ट्रेनिंग सेंटर दो है, एक पुणे में है, एक बड़ौदा में है। अच्छा बरोबर। दूसरा अभी हम अभी कोविड के बाद क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन हो गए, बस ट्रैवलिंग रेस्ट्रिक्शन वगैरह, तो हमने क्या किया है, जो भी एरिया में हम आउटलेट बनाते हैं ना वो एरिया में हमारा ट्रेनर है ना वहाँ पे चला जाता है। अच्छा, समझ। मैं आपके यहाँ सपोज रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ चार लोगों की, तीन लोगों की, बरोबर, तो आपको मैं ट्रैवल करवाऊँ, बरोबर, सब लोगों को, उसकी जगह मेरा एक बंदा आ जाए, बरोबर, हमारा आ जाए, भले ना वो दो दिन ज्यादा रुके, बिल्कुल बिल्कुल, समझ रहे। तो वहाँ पे वो अच्छी तरह से सेटिंग ट्रेनिंग करेगा, टेक्निकल ट्रेनिंग करेगा, ऑन जॉब ट्रेनिंग हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, और अपना बंदा भी कंफर्टेबल रहेगा यार, यहाँ नहीं रहेगा, बंदा भी कंफर्टेबल रहेगा। दूसरा क्या होगा, कुछ भी है तो हमारे पास क्या है, पूरा वीडियो कॉल वगैरह फैसिलिटी अभी हम चला रहे, कुछ भी है तो कुछ भी वो वीडियो कॉल करेगा, मैकेनिक को भी चाहिए तो हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट को वीडियो कॉल करके समझा सकता है। और कितने टाइम का होता है इनका ट्रेनिंग वगैरह, आई मीन ऐसा कुछ ड्यूरेशन कुछ? हमारा बंदा जब हम बुलाते हैं तो 5-7 दिन हम यहाँ पे रोकते हैं, हम अभी भेज रहे हमारे बंदे को, तो उसको भी 5-6 दिन भेजते हैं, एक हफ्ता अपन मान के चले, एक हफ्ते में बंदा आई मीन स्किल फुल हो जाता है, आराम से आराम से। दूसरा क्या है, उसको हम वही ट्रेनिंग करते हैं जो नॉर्मल हमारा प्रैक्टिस है वो, बाकी उसको देखो हम जिसको हायर कर रहे हैं उसको वैसे स्कूटर में प्लग कहाँ आता है वो तो आता ही है, समझ रहे, उसको रिपेयर कैसे करना है, प्लग फिल्टर के वो तो आता ही है, एनहांस करना है, एग्जैक्टली नॉलेज को, एग्जैक्टली नॉलेज इनहांस करना है। ठीक है ठीक है दीपेन भाई, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे तरीके से मेरी जो भी क्वेरी थी, और आपको भी थैंक यू जो आपने अर्ली मॉर्निंग में इतना अच्छा मोटिवेशनल स्पीच दिया, समझ रहे। नहीं नहीं ठीक है सर, मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, आप अपनी टीम को बोलिएगा कि मेरे को सारी डिटेल एक बार भेज देगा। वर्षा जी, रानी जी, वर्षा जी और अशोक जी भेज देंगे आपको। जी जी जी, ओके सर, थैंक यू। डियर सर, प्लीज चैट बॉक्स में अपना नंबर आप ड्रॉप कर दीजिएगा जिससे कि फ्रेंचाइज अप्लाई टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर सके। थैंक्स सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर श्रीनिवास राव।
उनका क्वेश्चन है कि अगर मैं 7.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं तो कितने एरिया की रिक्वायरमेंट होगी बाइक स्टैंड प्रोवाइड करने के लिए? हाँ, थोड़ा क्वेश्चन समझ भी नहीं आया मेरे को भी। एवरेज 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 600 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। ओके, 600 ये मैंने जो आउटलेट दिखाया ना आपको, वेस्टिंग के अलावा अगर आउटलेट देखो ना, ये जो मैंने भेजा है वो अभी जो राइड ऑटो केयर का यूपी का दिखाया, बाराबंकी का, तो वो करीब वॉशिंग के अलावा 600-700 स्क्वायर फीट जगह है। बराबर, उन्होंने थोड़ा ज्यादा है उसमें गाड़ी खड़ी हो सकती है सर, उसमें 2 लगते हैं, लिफ्ट 2 लगते हैं, लेकिन वहां पे हम डेली की 20 गाड़ी सर्विस कर सकते हैं। दो लिफ्ट लगते हैं लेकिन 20 गाड़ी सर्विस, एक बे के ऊपर 45 मिनट्स में एक गाड़ी सर्विस हो जाती है कंप्लीट, वॉशिंग पॉलिशिंग और कस्टमर को डिलीवरी भी कर सकते हैं हम 45 मिनट्स में। सर श्रीनिवास जी के 3 क्वेश्चन है, मैं श्रीनिवास जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर सर आप मीटिंग में है तो प्लीज चैट बॉक्स में जाके रेज हैंड कर सकते हैं और आपके जितने भी क्वेश्चन है उनके आप सोल्यूशन ले सकते हैं। श्रीनिवास जी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार आप चैट बॉक्स में जाके रेज हैंड पे क्लिक करें। ठीक है सर, मैं इनका क्वेश्चन लेता हूँ। Okay. इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ आई डिडंट रिक्रूट, रेडी 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 आ गए वो, उनको क्या सर? हाँ, उनको अनम्यूट कीजिए ना। एक यस श्रीनिवास जी प्लीज आज से क्वेश्चन अपनी तरफ से अनम्यूट करिए एक बार। श्रीनिवास जी रिक्वेस्ट आपसे अनम्यूट करिए अपनी तरफ से। हाँ हो गया हो गया हो गया। यस सर। हाँ श्रीनिवास जी बोलिए बोलिए। हेलो यस मिस्टर श्रीनिवास प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए सर। नहीं हो रहा है उनका, उनसे नहीं हो रहा है सर। श्रीनिवास जी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप चैट बॉक्स में अपने कॉन्टेक्ट नंबर ड्रॉप कर दीजिए, आफ्टर दिस वेबिनार आपसे फ्रेंच अप्लाई टीम कॉन्टेक्ट करेगी सर। ऐसा है तो आप बोल दीजिए ना, दूसरा क्वेश्चन क्या था? यस सर। सर इनका दूसरा क्वेश्चन था श्रीनिवास जी का, अगर मैं स्टाफ रिक्रूट नहीं करता हूँ तो क्या आप सपोर्ट करेंगे? हाँ श्योर श्योर करेंगे ना, हम 100% करेंगे, यही तो हमारा काम है। बराबर, वो हम जॉब के आपसे फ्रेंचाइजी फी का पैसा ले रहे हैं और डेवलपमेंट कर रहे हैं, मैन पावर रिक्रूटमेंट सब कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही बताया ना कि जैसे एचआर एजेंसी है हमारी, वो टेक्निकल मैन पावर वो सारा कुछ देती है, तो वो सारा कुछ हम प्रोवाइड करते हैं, उसका ट्रेनिंग भी हम ही करते हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे करना है, आपको उसके साथ क्या क्या बात करनी, किस तरह से कम्युनिकेट करना, वो भी हम सिखाते हैं। हाँ अशोक जी यस डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाएं और रेज हैंड पर क्लिक कर दीजिए या फिर अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। डियर पार्टिसिपेंट्स वी हैव ओनली 4 मिनट लेफ्ट, इफ यू हैव एनी क्वेरी या क्वेश्चन प्लीज रेज हैंड इन चैट बॉक्स। सर मिस्टर अभिषेक गुप्ता, अच्छा यस सर प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हेलो। हाँ बोलिए सर। दीपेन जी अजय राज शर्मा बोल रहा हूँ फिर से, अभी बात हुई। हाँ, बोले, बोले, अच्छा हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था कि लेटर ऑफ इंटेंट साइन करने के बाद से लेके कितना टाइम में वर्कशॉप ओपन हो जाता है? जगह अगर अगर जगह मिल जाता है ना तो हम लेट लेट बाय लेट 30 डेज में ओपनिंग कर देते हैं। एक महीना मान के चलो, एक महीने में अपन रनिंग में आ जाएंगे, है ना? एक महीना अगर जगह रेडी जगह मिल रहा है तो 15 दिन में भी हो सकता है। बरो जैसे अभी ये अशोक जी है तो अशोक जी ने अभी यूपी, मेरे को 2 दिन पहले हमारा बात हुआ, जयपुर में एक जगह ढूंढा है तो वहां पे हम 15 दिन में ओपनिंग कर सकते हैं, ऐसा जगह है, समझ रहे? ओके
मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम एक महीना एक महीना 20 से 25 दिन काउंट करना एवरेज ओके सर ओके थैंक यू ना मैं आपको एक अशोक जी एक चालू रखी मैं एक जो बारामंगी का है ना आपकी वो दो बे का आउटलेट है वहाँ पे एक ये परसों का फोटो है मेरे पास यस्टरडे कल का फोटो है देखिए अच्छा तो ये पूरा दो बे का आउटलेट है दो बे का आउटलेट फुल फुल हो गया ऐसा भी संबंध है ये मार्केट में रिस्पांस मिलता है और ये 500 स्क्वायर फीट मोर देन इनफ होगा अगर एक छोटा सा आउटलेट भी चालू करना है तो हां 600-500 स्क्वायर फीट बहुत 600 स्क्वायर फीट मान के चलें अपन इनके पास तो क्या था जगह बड़ा था इसने अलग अलग उन्होंने एल्युमिनियम सेक्शन का खर्चा वगैरह किया है बरोबर लेकिन अगर जगह नहीं है तो छोटा कोई बात नहीं जैसे आपने पहले वीडियो में देखा वो 500 स्क्वायर फीट जगह ही है सिर्फ जी 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 नहीं मैंने सर YouTube में भी आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं आयोसन मोटर्स का है और ये इसमें जो अभी रिसेंटली आपका ओपन हुआ है मैथिल ये कहीं पे पंसारी ऑटोमोबाइल शायद वहाँ श्री पंसारी निर्मली में हुआ है निर्मली में जी जी दूसरा अभी हमने दो लॉकडाउन के बाद दो किए 18 तारीख को बाराबंकी किया और 24 तारीख को हमने श्री गंगानगर में किया राजस्थान में नहीं नहीं सर सब कुछ ठीक ठाक रहा और भगवान का कृपा रहा तो छत्तीसगढ़ में पहला आउटलेट आ रहा है जैसे ही ओपन होगा है ना बढ़िया बढ़िया ओके ओके सर थैंक यू हां अशोक जी सर लास्ट क्वेश्चन है मिस्टर अभिषेक गुप्ता है बरेली से जानना चाह रहे हैं बरेली के आसपास कोई आउटलेट है आपका हमारा वहां पे बाराबंकी में यूपी में है फिर अपना वाराणसी में ओपनिंग है अभी बरेली आई थिंक वाराणसी से बहुत नजदीक है अगर उनको मिलना है तो वो मोस्ट वेलकम मेरा नंबर शेयर कर सकते हैं आप मैं 3 तारीख से वहाँ पे यूपी में ही हूँ अपने वाराणसी में ही हूँ 3-6 तारीख के दिन दौरान तो वो मिल सकते भी है और आउटलेट देख बहुत सारे प्रोस्पेक्ट ऐसे जिनको हमने इनवाइट भी किया है सज्जनपुर से एक लोग बंदे आ रहे हैं सिंगूरी से MP से आ रहे हैं जिनको हमने इनवाइट किया है तो बरेली से वो कितना होता है मेरे को नहीं पता है लेकिन अगर आप गूगल में मैप में देख लीजिए अगर आ सकते हैं तो मोस्ट वेलकम बरोबर तो वहाँ पे हम रूबरू आपको आउटलेट भी दिखा देंगे आपको मिलना भी हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा जो क्वेश्चंस वगैरह क्लियर हो जाएगा डियर पार्टिसिपेंट्स आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप चैट बॉक्स में आपका अपना कॉन्टेक्ट नंबर ड्रॉप कर दीजिए डियर पार्टिसिपेंट्स आज हमने इंडियाज ग्रोइंग एंड वेल नोन टू व्हीलर सर्विस स्टेशन ब्रांड स्पीड फोर्स की बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में मिस्टर दीपेन जी सर से जाना एंड वी होप कि आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा अगर आपको इस ब्रांड की फ्रेंचाइज बनकर एक अश्योर्ड अर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहिए तो प्लीज़ आप डायरेक्ट स्पीड फोर्स फ्रेंचाइज रिप्रेजेंटेटिव मिस रानी तिवारी जी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं प्लीज नोट डाउन द कॉन्टैक्ट नंबर 8875793293 आई एम रिपीट अगेन 8875793293 डियर पार्टिसिपेंट्स अगर आपने यह वेबिनार लेट अटेंड किया है तो प्लीज़ आप franchiseapply.com के फेसबुक पेज पर जाकर इस पूरे वेबिनार को अगेन देख सकते हैं and requested to all please drop your contact number and name with city in chat box so speed force team can contact to you and a warm thanks to mr dipen for addressing today webinar session and thank please, you sir thank you and please call us for next upcoming webinar session our contact number is 8239455677. I am repeat again 8239455677. Thanks to all and take care. Thank you all. Thank you. Thanks, Dipen sir. Thanks a lot thank you, for thank this you. Wonderful business opportunity. Thank you, sir.